राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। यहां 300 साल पुराने मंदिर पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया। 300 साल पुराना शिवलिंग ड्रिल से तोड़ा गया। खबर है कि अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से राजगढ़ कस्बे का मुख्य मार्ग खंडर में तब्दील हो गया। भवनों व दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़े गए। उधर कांग्रेस विधायक का वीडियो सामने आया जिसमें छोरी लाल मीणा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। दरअसल अलवर के राजगढ़ में फिलहाल बीजेपी का बोर्ड है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अलवर में हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार पर बरस रही है। बीजेपी का कहना है कि अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ना राजस्थान की कांग्रेस सरकार धर्म विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही कहा कि यही कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म है।